अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी को लेकर जो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। चलिए हम देखते हैं क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑथेंटिक हैदराबादी दम बिरयानी। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर दम बिरयानी की रेसिपी डाल रखी है, वो एक अदर वे में थी और ये आज हम बिल्कुल ऑथेंटिक बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 1.5 किलो चिकन, उसके साथ में है यहाँ पर थोड़े से सौंफ धनिया है मेरे पास, एक प्याज है और थोड़े से लहसुन की कली है मैंने, और यहाँ पे है बेलीफ, यहाँ पे मैंने 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, और साथ में लिया है मैंने सॉल्ट 1 टीस्पून। तो पहले हम अपने चिकन की यखनी बनाएंगे। मैं यखनी पहले बना लेती हूँ और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। जब तक चिकन की यखनी बनेगी तब तक मैं आपको अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँगी। यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान डाल लिया है, सौंफ धनिया और ये प्याज मैंने चॉप करके डाली है। आप इसे साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर चॉप करके डाली, रफली चॉप किए मैंने, बस चॉप करके डाली तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छे से सारा फ्लेवर चिकन में इसका आ जाएगा। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पानी। मैंने 1 कप पानी ऐड किया, बस बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा करना है, बस भाप लगानी है, क्योंकि चिकन जो है हमारा बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हल्की सी भाप लगानी है। जब हमारी दम लगेगी बिरयानी में तो ये खुद टेंडर हो जाएगा, तो बस थोड़ी सी भाप लगानी है, हल्का सा गल जाए, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना वरना उसमें सारा फूट जाएगा। जब तक हमारी यखनी बन रही है तब तक हम बाकी के इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है यहाँ हरी मिर्च का पेस्ट, उसके साथ में है थोड़ा सा गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 2 टीस्पून पीली मिर्च का पाउडर है, और 4 टीस्पून मेरे पास है यहाँ पे चाट मसाला, उसके साथ हैं कुछ गरम मसाले, साबुत लकड़ी है मेरे पास यहाँ पे, 3 बड़ी इलायची हैं, ये 2 छोटे छोटे से बादियान के फूल हैं, थोड़ा सा जायफल है, 1 टीस्पून ज़ीरा है मेरे पास, और ये हरी इलायची हैं 5-6। साथ में है यहाँ पर मेरे पास ये काली मिर्च और लौंग मैंने मिक्स थी तो मैंने ये निकाल के रखी है इस तरीके से, ये है। और मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा दही, करीब 400 ग्राम होगा ये, और साथ में मेरे पास है बिरयानी वाला अचार और जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और है यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक है, और है यहाँ पे मेरे पास प्याज जो फ्राई करके यूज़ करेंगे हम। अब यखनी हमारी तैयार हो गई होगी, मैं वो दिखाती हूँ। देखिए यखनी हमारी तैयार है, बस इसी तरीके की चाहिए हमें। थोड़ा सा बस गोश्त को जो है अपने चिकन को सॉफ्ट कर लेना होता है, बस इतना। इससे कोई रिस्क नहीं रहता कि बाद में हमारा अगर हम कच्चा डालेंगे तो गलेगा या नहीं टेंडर हो पाएगा अच्छे से, और साथ साथ जो एक कच्चे गोश्त की जो एक स्मेल सी होती है वो भी यखनी से चली जाती है। वैसे आपने ऑथेंटिक बिरयानी में देखा होगा जो हैदराबादी होती है यखनी नहीं बनाते, लेकिन मैं बना लेती हूँ कि एक स्मेल जो कच्चे गोश्त की रह जाती है वो एक तो वो नहीं आएगी, और साथ साथ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और वो रिस्क ख़त्म हो जाएगा कि गोश्त गल पाएगा कोई, जैसे हमारा लेग वगैरह है जो नहीं गल पाता है कभी, बड़ी डेग जो होती है उसमें तो आराम से बहुत ज़्यादा हीट लगती है तो वो आराम से हो जाता है टेंडर, लेकिन हम थोड़ी बना रहे हैं 1 किलो की या 2 किलो की तो थोड़ा रिस्क रहता है कि गलेगा या नहीं गलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा आप यखनी बना लें, एक तो अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और जो थोड़ी गोश्त की जो स्मेल है वो भी चली जाएगी, और साथ साथ हमारा गोश्त भी टेंडर हो जाएगा थोड़ा, तो इसका रिस्क भी ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी की तैयारी हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर मेरे पास हैं चावल, ये सेला चावल है मैंने जो लिए हैं, इसको मैंने 2 घंटे पहले सो करके रख दिया था, अब 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब पहले हम इन्हें उबाल लेंगे। इसके लिए हम एक दूसरे बर्तन में पानी लेंगे, पहले उसमें एक उबाल आएगा उसके बाद में हम चावल डालेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया इसी तरीके से हमें करना है, साथ साथ दोनों चीज़ें नहीं रखनी, चावल हमारे ख़राब हो जाएंगे। पहले एक अलग बर्तन में पानी लें, उसमें सॉल्ट वगैरह जो भी ऐड होता है मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, वो ऐड करें और एक उबाल आने दें, उसके बाद में चावल ऐड करें। यहाँ पे मैंने ले लिया है चावल बॉईल करने के लिए पानी, ये मैंने इस भगोने में ले लिया है। चावल बॉईल करने के लिए हमेशा पानी ज़्यादा लें, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी नहीं लेंगे तो
चावल हमारे अच्छे से नहीं उबलेंगे और पानी सारा सोख कर लेंगे और चावल कच्चे रह जाएंगे या पूरे पक जाएंगे। हमें चावल इस तरीके के से उबाल लें कि पानी हमारा बच जाए जो हम बाद में ड्रेन कर दें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये पानी ले लिया है। मेरे पास 1.5 किलो चावल है और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 8 से 10 टीस्पून नमक ले लिया है। अब ज़्यादा तेज़ होने की टेंशन ना लें कि ज़्यादा हो जाएगा नमक, बिल्कुल भी नहीं होगा। जो जितना चावल को सोख करना होगा वो कर लेगा, बाकी का पानी में निकल जाएगा जब हम ड्रेन करेंगे। तो आप आराम से 1.5 किलो चावल की अगर बिरयानी बना रही हैं 1.5-2 किलो की, तो 8 से 10 चम्मच नमक आराम से डाल सकते हैं। बिल्कुल सही क्वांटिटी है, 8 से 10 चम्मच नमक आप ले लें। और साथ में मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, जिससे चावल हमारे चिकने रहें और एक दूसरे में चिपके नहीं और बहुत अच्छे से खिले खिले बॉयल हों। तो मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ 1/2 कप। देखिए चावल हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, मैंने इसका पानी निकाल दिया है और ये अच्छे से बिल्कुल खिले खिले और सॉफ्ट बॉईल हुए हैं देखिए। और साथ में मुझे प्याज जो ब्राउन करके निकालनी थी वो भी मैंने निकाल के रख लिए, इसको थोड़ा फैला दिया ताकि ठंडी हो जाए। और अब हम अपनी बिरयानी को असम्बल करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, ये भगोना है जिसमें मैं अपनी बिरयानी की तह लगाऊंगी दम लगाने के लिए। तो उसमें सबसे पहले जो चिकन मैंने यखनी बना कर रखा था वो मैं डालूंगी। साथ में ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने लिया था वो, और ये जो दही लिया था वो। जितने भी मसाले हैं हमें वो अपने सारे इसमें ऐड कर देने। हरी मिर्च का पेस्ट, गरम मसाला लाल मिर्च, और ये चाट मसाला और पीली मिर्च का पाउडर, साथ में सॉल्ट। सॉल्ट का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्योंकि हमने चावल में भी डाला है और जब हमने यखनी बनाई थी उसमें भी डाला है और इसमें भी हम डाल रहे हैं, तो बहुत इसको बैलेंस करें। और सारे स्पाइसेस को भी, क्योंकि इसमें सारे स्पाइसेस जाते हैं, रेड मिर्च, येलो वाली और ग्रीन वाली सब। और ये जो मसाले थे हम ये इसमें डाल देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने दही और फूड कलर लिया है, जो मैंने आपको दही दिखाया था उसमें से मैंने थोड़ा निकाल लिया था कलर में मिलाने के लिए। अब इसको हम मिक्स करके अपनी बोटियों में डालेंगे, जिससे हमारा बिरयानी की जो बोटियाँ हैं उनका कलर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जैसा रेड दिखता है जो हमारी हैदराबादी बिरयानी होती है। देखिए इस तरीके का पेस्ट बन गया, ये हम अपनी बिरयानी पर डाल के गोश्त पर डाल देंगे। ये है बिरयानी वाला अचार जो मैंने आपको दिखाया था, वो भी मैं इसमें ही डाल दूँगी। जो प्याज मैंने ब्राउन करके रखी थी ये भी मैं थोड़ी सी क्रश करके इसमें डाल दूंगी, बाकी मैं चावल के ऊपर डालूंगी जो तह लगाऊंगी उसके ऊपर थोड़ी सी क्रश करके यहाँ पे डाल दूंगी। और अब इसको हमें बस मिक्स कर देना है अच्छे से। और यहाँ पे मेरे पास यखनी का पानी बचा हुआ है थोड़ा सा, वो मैं बस थोड़ा सा ऐड करूँगी। गोश्त की थिकनेस देखिए थोड़ा ठीक है और इसका फ्लेवर भी आ जाएगा, बस थोड़ा सा ऐड करना, ज़्यादा नहीं। अब अपनी चावल की जो लेयर है, जो हमारे बॉयल चावल है, वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने अपने चावल की लेयर लगा दी है और थोड़ी सी प्याज में ऊपर से डाल दूंगी। और साथ में अपना जो बिरयानी वाला कलर है वो मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने ये येलो वाला लिया है और साथ में मेरे पास है केवड़ा वाटर, थोड़ा सा डालूंगी, बाकी वाटर ऐड करूंगी।
और यहाँ पे मैंने लिया है ये एक रेड वाला जो बिरयानी का कलर हमारा होता है वो लिया मैंने, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दो कलर हमारे बिरयानी में जाते हैं और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, तो मैंने यहाँ पे रेड भी डाल दिया है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक चम्मच देसी घी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बिरयानी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। थोड़ा सा और डाल दूँगी। और एक बात और, यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल इस चम्मच से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। जब मैं सारा गोश्त मैरिनेट कर रही थी तब वो क्लिप ऐड करना मैं भूल गई थी, तो मैं अब बता रही हूँ इस चम्मच से रिफाइंड ऑयल 3 चम्मच और मैंने डाला है। और अब इस बिरयानी को हम रखेंगे 15 से 20 मिनट स्लो फ्लेम पर दम लगने के लिए। देखिए बिरयानी हमारी 15 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और साइड से हम देखेंगे ऐसे, इसको चेक करने का ये तरीका होता है। अब देखें बिल्कुल हमारा चम्मच बिल्कुल साफ़ निकला है, पानी नहीं है। देखिए आप हर तरफ से चेक कर लेंगे, देखिए ये जो है ऑयल दिख रहा है, देख लिया ये बिल्कुल तैयार है। बस मैं आपको इसे चलाकर और फिर सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले बने हैं, ये जितनी देखने में टेस्टी लग रही है उतनी ही खाने में भी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए फ्रेंड्स बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखिए हमने इसको सर्व किया है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। जितनी ये दिखने में अच्छी है उतनी खाने में भी टेस्टी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि हमारी आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचें।